हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज रोशन शर्मा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए मैं अपलोड कर देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। ये आंसर है आपका, वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज का, ये आपको लिख लेना है और याद करना है, या अगर अपने से याद है तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम इक्वेशन 2CO2, ये आपका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद, डस फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर चेंजेस व्हेन द कम्प्लीटली इमर्ज्ड इन द वाटर, प्रेडिक्ट ऑफ राइट द रीजन, ये आपका आंसर है। और सेकंड सेक्शन में, डू यू थिंक द न्यूलैंड लॉ ऑफ एक्टिवेट करेक्ट जस्टिफाई, ये आपका आंसर रहेगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन, यहाँ पे एस्टरिफिकेशन एंड स्पेसिफिकेशन, ये आपको लिखना है यहाँ से पूरा कम्प्लीटली। उसके बाद, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये आपको लिखना है पूरा। यहाँ पे राइट द प्रिकॉशन टू टेक इन द एक्सपेरिमेंट टू शो द वाटर एसेंशियल रिंग राइजिंग आयरन आर्टिकल्स, ऑल्सो राइट द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, ये पूरा आपको लिखना है। एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर क्या है, ये पूरा आंसर आपको लिखना है। पूरा फुल मॉडल पेपर मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। उसके बाद, द मैग्नीशियम ऑफ इमेज फॉर्म्ड ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ये आपको लेना है। ये विच काइंड ऑफ द मिरर, ये पूरा कंप्लीटली आपको यहाँ से लेना है, यहाँ तक। उसके बाद ये देखिए, एक्सप्लेन हाउ डज द एटॉमिक साइज ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी चेंजेस इन ए ग्रुप एक पीरियडिक मेडन पीरियडिक टेबल, ये आपको अच्छी तरह याद करना है। चलिए इससे रिलेटेड पार्ट भी देखिए, ए बायो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ट्स अ पैरेलल रे ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस 10 सेंटीमीटर, देन द फोकल लेंथ क्या होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई कंट्रोल द एंटरिंग द लाइट रे इन टू द आई, ये क्या होगा, इरिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्यूरीफाई ड्रिंकिंग वाटर, प्यूरीफाइड ड्रिंकिंग वाटर के लिए यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर। विच ऑफ द फॉलोइंग शैल हैव मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स, इसका होगा N। IUPAC नेम ऑफ द कॉम्पाउंड सी, ये आपको लिखना है और इसका आंसर होगा ये। द केमिकल इज यूज टू फायर एक्सटिंग्विशर, यहाँ पर होगा इसका होगा सोडियम कार्बोनेट। और उसी तरह नेक्स्ट होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैलेंस इक्वेशन, इसके अंदर से बैलेंस इक्वेशन ये होगा। 11, 12, 13 एंड 14 आर एटॉमिक नंबर, द एलिमेंट्स Na, Mg, HCl, ये आपको लिख लेना है, ये पूरा आपको पढ़ लेना है। इसका आंसर होगा सोडियम Na। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पाउंड्स आर फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड इसके अंदर से कौन सा कॉम्पाउंड फॉर्म होगा आपको लिखना है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिचुएटेड डज ए करंट विल बी इंड्यूस्ड, तो इसके अंदर ए भी होगा, इसके अंदर या डी भी होगा, ए और डी दोनों में से कोई एक होगा। इस तरह ये अच्छी तरह याद कीजिए, पूरा कंप्लीट मॉडल पेपर है। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छी तरह याद कर लेंगे।